लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे सुल्तान, ये ठाकुर क्यों आया है? भाई यहाँ कोई एसीपी राठौड़ है जिसने ठाकुर को धमकी दी है कि सरेंडर कर दे वरना जान से मार दूंगा। मैंने ठाकुर को दो चार दिन के लिए रोक लिया है और शिवा से कहा है कि पता कर ये एसीपी राठौड़ कौन है। चंद्रपुर की रिपोर्ट लिख रहे हैं? ये मगजमारी का काम है, मेरे को नहीं जमता। अगर मुझे पढ़ने लिखने का शौक होता तो पुलिस में क्यों भर्ती होता? ला इधर ला। तुझे पता है ना राठौड़ साहब को एक भी गलती नहीं चलती। अरे कुछ भी लिखो ना यादव साहब, उस बच्चे को क्या पता चलने वाला है? अरे बच्चा नहीं है वो, बाप है तेरा, एक दिन पता चलेगा तेरे को। ए, आ गया तेरा बाप एसीपी राठौड़। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कोर्ट से डेट मिली है परसों की, वो जवेरी डकैती केस के बारे में। अच्छा, और सर वो कमाठीपुरा वाले केस के बारे में आपसे बात करनी थी। वो बाद में सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। वो ड्रग्स केस वाला कॉर्पोरेटर मिल गया। कहाँ है वो? इधर है। अबे मुंह क्या देख रहा है मेरा? जा अपने एसीपी राठौड़ को फोन करके आ, पूछ कितने बजे आएगा। मैं इधर अखा दिन बैठने को नहीं आया, उपवास है आज मेरा। अच्छा अच्छा, तो ये है। हाँ, तू मेरे को बुलाने को आया था ना, तभी मैं समझ गया था कोई नया साहब आयला है। सब लगता है ये लोग तुमको मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम गणपत राव, इधर का कॉपरेटर। बड़ा से बड़ा साहब मेरे दरवाजे पे आता है मिलने को, मेरे से कोई टक्कर नहीं लेता। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना। यस सर। साहेब वाले था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। रिपोर्ट 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। उसको छोड़ो, तुम लोग मेरे कमरे में आओ। यस सर। मुकुंद, एक ग्लास पानी लाना। यस सर। कदम, जरा इंस्पेक्टर सलीम को भेजना। यस सर। हाँ यादव। सर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, क्राइम AK-47 से हुआ है। वहां के आदिवासियों को एक लीडर ने भड़काया था, वीरन नाम है उसका। और सर यह है बाला ठाकुर। वीरन और उसके आदिवासियों को यही हथियार सप्लाई करता है। इसे हमारे पहुंचने की खबर मिल गई थी, गायब है। सर हम उसे हाजिर होने की धमकी भी देके आए हैं। आदिवासी एरिया में तुमने कोई छानबीन की? सर सर्विस रिवॉल्वर के साथ हम AK-47 का सामना कैसे करें? देखो वीरन और वो आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है ये ठाकुर। DCP साहब के साथ मेरी मीटिंग कितने बजे? 11 बजे सर। सलीम साहब कहाँ हैं? साहब आज नहीं आएंगे, वो फील्ड में है। तेरे सेठ को बोला था ना इधर नहीं भेजने का, फिर काय को आए तू? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को जो सेठ बोला वही किया। जाऊं क्या? अभी रख के जा, पूरा है ना? हाँ। दरवाजा बंद करके जा। हाँ। सुमन ये अंदर रख दे। कौन है तुम लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। सुमन तू अंदर जा। एक मिनट, वो पैकेट मुझे दीजिए। यादव जरा देखना, वही नोट है क्या? वही नोट है सर। तुम्हारे DCP का नंबर क्या है? सब DCP साहब को क्यों फोन कर रहे हो? आपस में देख लेते ना। बाला ठाकुर कहाँ है? कौन बाला ठाकुर? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? मुंबई में उसका एक कनेक्शन है सुल्तान, वो उसी के पास गया है, लेकिन सुल्तान के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहता हूँ साहब, सब मुझे जो कुछ मालूम था सब कुछ बता दिया। अब इस बात को यही खत्म कर दिया ना सब। यादव इसके थाने में इसी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करो और उसकी एक कॉपी कल सुबह तक यहाँ के DCP के टेबल पर होनी चाहिए। साहब चलो। साहब 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 वासवरे देवा। मस्त एकदम सॉलिड। ए फटका पैसे निकाल। अरे कितना पैसा मांगता है तेरे को बोलना, आज अपन का मूड एकदम सही है। ये ले पैसा। बस क्या रे बिचारे का बॉनी नहीं हुआ ना? हो गया ना बॉनी? चल बेटा चल, ला रे चल ला। चल चलता हूँ। ए फटका पैसा दे रे। देता है ना,
साला जिसको देखो पैसा पैसा साला रोज का लफड़ा दे रहा है। मुंबई में कहां कहां से चले आते हैं ताए ये ढक्कन चलना। आसमान में टनाउ लाखों तारे टनाउ आसमान में लाखों तारे। अरे इंस्पेक्टर सलीम, सलाम साहब। क्या साहब, सब उतर गई शर्ट की स्त्री भी। क्यों बे फटका, तू आजकल दिखता नहीं है। क्या बात करते हो साहब, मैंने तो आपके क्राइम ब्रांच में फोन किया था। क्यों फोन किया साहब? वो राजन लुखा है ना साहब, जिसको आपने तड़ीपार किया था। क्या हो उसे? वो आजकल इधर के बहुत राउंड लगाता है। तूने कब देखा? साहब पहले भी देखा था और आज भी देखा। किधर? संगम बार में बैठा है साहब। आप जाओ, आपको मिलेगा वहां पे। नहीं नहीं साहब, ये मेरी तरफ से आप रखो। वहां राजन का ड्राइवर मिलेगा ना तो खींच के देना, उसने आप उनकी इंसल्ट की साहब। ए फटका, तू सच बोल रहा, तूने राजन को देखा? फटके की कसम साहब। आसमान में अगर तुम लोग टाइम पर आते तो हम इनको संगम बार से उठा सकते थे। ये गाड़ी को ओवरटेक करो। राजन भाई, पुलिस की जीप पीछे है। एक काम कर, आगे से लेफ्ट ले। हाँ। अपने को लफड़ा नहीं चाहिए अभी। सर ये लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। तू सीधा चल, सीधा। अच्छा हुआ निकल गए साले। यहां से लेफ्ट ले, लेफ्ट। अरे लेफ्ट मार यहां से। ए तू इधर आ, यहां से राइट ले। अब आराम से चल। मार दूंगा। मेडल पाने की भूख में आप कुछ भी कर डालेंगे? क्या जरूरत थी इस तरह भिड़ जाने की? सर मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, मैं क्या करता? फोर्स लेकर प्रॉपरली हैंडल करते। उसके लिए टाइम नहीं था सर। इसलिए सिर्फ 3 हवालदार और 1 रिवॉल्वर लेकर आप राजन और सुल्तान को पकड़ने चल दिए। सर मुझे राजन की इंफॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। शट अप। खुदकुशी करने का इतना ही शौक था तो खुद करते, अपने शौक के लिए दूसरों को के मरवाया। 3 हवालदार मर गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आप बाहर जाइए, मैं बाद में बुलाता हूं। देखो राठौड़, इस केस पर सलीम आगे से काम नहीं करेगा। सर प्लीज सर, मैं उसको समझाऊंगा। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे?
सारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने सुल्तान को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो खुद मुसलमान है। सर सलीम ऐसा ऑफिसर नहीं है सर। मुझ पर पहले से ही बहुत प्रेशर है, आई कैन टेक चांसेस। वहां आदिवासियों के पास आर्म्स पहुंच गए हैं, ठाकुर का अब तक कुछ पता नहीं चला है, और यहां सुल्तान के पास AK-47 मिली है। इसी बात का मुझे डर था। अब पता करो, AK-47 लेकर इस शहर में ऐसे और कितने सुल्तान घूम रहे हैं। सलीम को बुलाओ। देखो सलीम, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन इस केस के सारे पेपर साहब राठौड़ साहब को दे देना, और कल से गोदाम संभालो। देखो उधर क्या हो रहा है। मैं जानता हूं सर आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं। सर पोस्टिंग से पहले मैंने सलीम के नीचे ट्रेनिंग ली थी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं सर। वो बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। इस केस पर मुझे उसकी जरूरत है सर। देखो राठौड़, ऑफिशियली सलीम इस केस पर काम नहीं करेगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। अभी केस के सारे पेपर्स तैयार नहीं है, अगले हफ्ते तक आपको फाइल मिल जाएगी। मुझे फाइल नहीं चाहिए सलीम, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ इस केस पे काम करो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कौन क्या चाहता है। सलीम मैंने तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। ये किसी से मत कहिएगा सर कि आपने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी पर महज इसलिए शक करो क्योंकि आपके मजहब का नहीं है। ये आपने कहीं और से सीखा होगा। एक एग्जाम पास करके आप अफसर बनकर मेरे सर पर बैठ गए, और आज जो जी चाहे सलूक करेंगे मेरे साथ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। आज एक बात जान गया हूं सर, इस मुल्क में गरीब होना गुनाह है, और गरीब मुझ जैसा होना उससे भी बड़ा गुनाह। अब जाइए सर, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है।